आईपीएल मौजूदा समय में विश्व की सबसे बड़ी टी20 लीग में से एक है। विश्व भर के खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसके जरिए कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टीमों में अपनी जगह भी बनाई है और बड़ा नाम कमाया है। भारतीय खिलाड़ियों को भी इस लीग से काफ़ी फायदा हुआ है। यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े से बड़े खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं इसमें वेस्टइंडीज़ के दो खिलाड़ियों का नाम आता है जो आईपीएल में एक टीम से काफ़ी समय से खेल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और सुनील नरेन की। ये दोनों कैरेबियाई खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और ये कहना भी गलत नहीं है क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़े बड़े मैच जिताए हैं। अगर बात करें पहले सुनील नरेन की, तो सुनील नरेन ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स पूरी दुनिया में कहीं भी पार्टिसिपेट करती है तो मैं हमेशा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलना चाहूँगा क्योंकि उनका और मेरा रिश्ता एक परिवार का सा है। आपको बता दें कि सुनील नरेन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और सुनील नरेन को कोलकाता नाइट राइडर्स कुछ सालों से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतार रही है ताकि वो टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला सकें और सुनील नरेन ने ये करके भी दिखाया है। आपको बता दें कि सुनील नरेन सिंगल डबल में यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ चौके और छक्के में यकीन रखते हैं और यही उनकी खासियत रही है। अगर सुनील नरेन के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 110 मैच खेले हैं और 731 रन बनाए हैं। इन पारियों के दौरान उन्होंने 93 चौके और 44 छक्के जड़े हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 168 का रहा। वहीं अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो सुनील नरेन ने 110 मैचों में 122 विकेट झटके हैं। वहीं उन्होंने एक मैच में सबसे ज्यादा 19 रन देकर 5 विकेट झटके हैं जो कि उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। अब बात करते हैं आईपीएल के और कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे बड़े हिटर बल्लेबाज आंद्रे रसेल की। रसेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को तो हर कोई जानता है। इस वक्त वो आईपीएल के सबसे बड़े ऑलराउंडर और हिटर बल्लेबाज हैं। रसेल ने भी अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बयान में कहा था कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा था कि जब मुझ पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा हुआ था तब भी कोलकाता ने मुझे नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आपने देखा होगा रसेल आईपीएल के अलावा उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जितना वो आईपीएल के दौरान करते हैं और अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करते हैं। पिछले साल 2019 में उन्होंने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। रसेल ने पिछले साल 14 मैच खेले थे और शानदार 510 रन बनाए थे। आपको बता दें कि आंद्रे रसेल ने अपने आईपीएल करियर में अब तक 96 चौके और 120 छक्के जड़े हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि रसेल ने 120 छक्कों में 83 छक्के सिर्फ पिछले 2 साल में जड़े हैं। पिछले सीजन यानी 2019 के आईपीएल सीजन में तो रसेल ने छक्कों का अर्धशतक ही जड़ दिया था। 2019 में रसेल ने 52 छक्के जड़े थे। इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान आंद्रे रसेल और सुनील नरेन को कभी भी अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करते, वो हमेशा अपनी टीम में इन दोनों धुआंधार खिलाड़ियों को बनाए रखते हैं। आपके मुताबिक क्या ये दोनों खिलाड़ी सच में कोलकाता नाइट राइडर्स की जान है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।